वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेई एईएस तथा अन्य संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पूरी तैयारी समयबद्ध ढंग से किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई जारी है, ऐसे में जेई एईएस तथा अन्य संचारी व विषाणु जनित रोगों के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला डायरिया आदि संचारी रोगों से जुड़े मामलों की आशंका को देखते हुए प्रत्येक जनपद में अंतरविभागीय समन्वय से युद्ध स्तर पर अभियान को आगे बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेई एईएस से प्रभावित सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 1 जुलाई से पहले संचारी रोग नियंत्रण के संबंध में जिला स्तर पर बैठक कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में पीकू व नीकू वार्ड में बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार तथा रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का विशेष कार्यक्रम यथावत संचालित किया जाए। तालाबों में एंटी लार्वा का छिड़काव तथा कूड़े का निस्तारण ठीक ढंग से किया जाए। इस अवसर पर सीएम योगी ने गोरखपुर, कानपुर, बस्ती व बरेली मंडल के अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रतिस्पर्धा शुरू की जाएगी कि जिस जनपद में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला लगातार 1 सप्ताह तक नहीं मिलता है, उस जनपद को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियां डोर टू डोर सर्वे करें और यदि कोई बच्चा बुखार आदि से ग्रसित है तो उसे मेडिसिन किट उपलब्ध कराएं। साथ ही महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को पौष्टाहार उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग व शुद्ध पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों के टीकाकरण हेतु अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट हेल्थ सेंटर, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती है उसकी तैयारी का निरीक्षण अवश्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड कार्य हेतु 108 एम्बुलेंस सेवा की 75% एम्बुलेंस डेडिकेटेड थी, उसी प्रकार 102 एम्बुलेंस सेवा को बच्चों और महिलाओं के उपयोग में लाया जाए। एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक से कंप्लीट नहीं होना, केवल एंटीबायोटिक से कंप्लीट नहीं होना। पब्लिक हेल्थ में क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अवेयरनेस जनरेशन, तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि होलिस्टिक अप्रोच से ही पब्लिक हेल्थ का गोल आगे बढ़ता है। और वही हमने जो संचारी रोग अभियान के दौरान देखा है, जो परिणाम देखे हैं, जिसमें विशेष करके जेई और एईएस से पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, वो विगत 4 वर्षों में घट करके बहुत ही निचले स्तर पर आ गई है। मृत्यु के ग्रास में जाने से बचे हैं और लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। इसी मॉडल का उपयोग वर्तमान में कोविड के मैनेजमेंट में भी उत्तर प्रदेश में किया गया है और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आज आप जहां देख रहे होंगे कि पूरे देश में कई राज्यों में बहुत ज़्यादा केस फरवरी से शुरू हुए और आज तक आ रहे हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश आज कोरोना की सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में बहुत हद तक सफल रहा है। आज हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो प्रदेश में गिर करके 5,000 से भी कम हो गए। कई राज्यों में प्रतिदिन इसके दुगना केसेस आ रहे हैं। केरल में, महाराष्ट्र में आज भी इससे दुगना केसेस आ रहे हैं जितने हमारे पूरे प्रदेश में एक्टिव केसेस हैं। और उसी के क्रम में जो अभी एक विंडो मिला है, तो एक पॉसिबल थर्ड वेव की बात की जा रही है, उसकी तैयारी तो प्रदेश में हो ही रही है, उसके साथ ही साथ जो एक विंडो मिला है उसमें तेजी से टीकाकरण करके लोगों को सुरक्षित करने का अभियान भी तेज किया जाना है। 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था देश में और उस दिन से शुरू में केवल हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ,
उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है इसमें पुलिस और राजस्व के कर्मचारी, पालिका के कर्मचारी, होमगार्ड इत्यादि थे, इनका वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर 45 प्लस के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, और फिर बाद में जो 18 प्लस है उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। जब 18 से 44 वाले का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था तब ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी उसके लिए आवश्यक वैक्सीन होगी वो राज्य सरकारों के द्वारा खरीदी जाए। बाद में उस निर्णय को परिवर्तित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो भी राज्य सरकारें निःशुल्क टीकाकरण कर रही हैं वो सारी वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी 21 जून से। और जो कुल वैक्सीन का बास्केट है, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 25% अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए रखा गया है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो लेकर के मैन्युफैक्चरर से और एक फीस पर लोगों को लगा सकते हैं। 75% वैक्सीन अब भारत सरकार खरीद रही है और राज्यों को उपलब्ध करवा रही है। 21 तारीख से ये सारी वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पश्चात ICDS में आप देख रहे हैं, आप मंत्री जी आप बोल पाएंगे? आप ही बोल दीजिए। माइक ऑन कर दें। इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए मामले हैं वो JEES से जुड़े हुए मामले होंगे, या मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, जिससे भी जुड़े हुए मामले होंगे, डायरिया से भी जुड़े हुए मामले आ सकते हैं। अभी से सतर्कता बरतते हुए हर एक जनपद में अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को एक तो आगे बढ़ा लें, दूसरा हम लोग इस बात को नोट करें सर्विलांस जितना आपका मजबूत होगा। आपने जैसे इंसेफ्लाइटिस में 108 की 75% एम्बुलेंस डेडिकेट कर दी थी कोविड 19 के लिए, वैसे ही आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि 102 बच्चे और महिलाओं के लिए उपयोग हों और हर एक जगह इसकी जानकारी होनी चाहिए। जितनी जल्दी ये जो डोर टू डोर सर्वे का कार्यक्रम 25 से प्रारंभ हो रहा है, बच्चों के लिए मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था हो रही है, सभी प्रभारी माननीय मंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए, जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के साथ संवाद बनाते हुए हर एक विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हो और ये मेडिसिन किट घर घर पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की जाए। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आप योगदान दिलवा दें, ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती रही है, अभी से हम उसकी तैयारी देख लें। ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अभी से देख लें, सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, हमने इसके लिए 4 प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी तैयार की थी। एक स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग हम लोग याद करिए मार्च 2020 से निरंतर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जगह जगह कूड़ा दिखता है। हमें लोगों के आदत का हिस्सा ही बनाना पड़ेगा और अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल, जहां पे पाइप पेयजल की स्कीम है अच्छी बात है, नहीं है तो लोगों को वहां पर जो जल है उसको उबाल करके पीने के लिए अगर हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए जागरूकता का अभियान चला सकेंगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनपद इस पे ध्यान दें कि 12 वर्ष से
कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें, इसके लिए अभियान अभिभावक स्पेशल बूथ बनाना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई और आइसोलेशन वार्ड हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर तैयार हो, और मेडिसिन किट 26 जून से वितरण होंगे, इस पर हम अभी से अपनी तैयारी और अपने कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ जाने चाहिए, इसको हम लोग देख लें। एक जो कार्यक्रम होगा वह है कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम 4.5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं और इस 4.5 लाख वैक्सीन के कार्यक्रम को हम 21 जून के बाद से 6 लाख प्रतिदिन करने जा रहे हैं, और जुलाई प्रथम सप्ताह से यानी 1 जुलाई से हमें 10 लाख से लेकर 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है, यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। कुछ जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है, मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ना नहीं पाए। देखिए हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे, एक विशेष पुरस्कार देंगे, कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और एक सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान, दूसरा कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सिचुएशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में, इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना है। हमारा प्रयास होना चाहिए नेगेटिव में चला जाए। एक वायल जो होता है 10 डोजेस जिसमें होते हैं उसमें 11 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन क्वालिटी में के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो। कुछ जगह शिकायतें मिली थी पिछले दिनों कि वैक्सीन के नाम पर केवल वेस्टेज, उसको वैक्सीन के नाम पे केवल सुई चुभई जा रही थी, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था, ऐसी शरारत कहीं ना होने पाए। इसलिए अच्छे सक्षम और ट्रेंड मैन पावर, इसलिए हमने कहा था कि नर्सिंग की GNM थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जितनी भी प्रशिक्षु होंगी, BSc थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो प्रशिक्षु होंगी उनकी भी ट्रेनिंग ले करके उनको भी हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम को हम लोगों को कोरोना को नियंत्रित करने के साथ हमें इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को। एक बृहद अभियान चलेगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून से हम लोग कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देंगे, यानी जो अभी सुबह 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक था ये रात्रि को 9 बजे तक के लिए छूट मिलेगी, वहां आज ही इसकी गाइडलाइन हर एक जनपद को पहुंचेगी, और हर एक जनपद में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग हम पुलिस विभाग के साथ बातचीत कर लें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी मजबूती के साथ आपके जनपद में कार्य करता हुआ दिखाई दे, और इस बात को हम सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में लापरवाही की कोई गुंजाइश न हो। मास्क पहन के लोग नहीं जा रहे हैं, मास्क कभी भी शहर में नहीं निकल, मास्क सिटी के अंदर जाते हैं दुकान में जाते हैं तो मास्क उतार के रख देते हैं, हर एक दुकानदार से भी बातचीत हो जाए कि जो व्यक्ति मास्क ना लगाया हो उसको सामान न दिया जाए, हम इसको अनिवार्य करें और हर एक व्यक्ति मास्क लगाएं, भीड़ न होने दें, जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसका खतरा बना हुआ है, वायरस कमजोर जरूर हुआ है, इसलिए इस पर हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए जिससे अप्रैल मई जैसी त्रासदी फिर सामने ना आने पाए। यही आप सबसे मैं कहना था कि कोरोना के साथ साथ जो थर्ड वेव की आशंका है ये एक साथ उस समय संभावित है जब तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज आएंगी, उसी समय कोरोना की भी थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, इसलिए दोनों के प्रति सतर्कता बरते हुए अभी सभी जनपद उसकी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद जी। संचारी रोग अभियान जो हम 1 तारीख से 1 जुलाई से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए सभी 11 जो हमारे विभाग हैं तो उनके साथ में बैठक किया था, सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि संचारी रोग अभियान कामयाब होना चाहिए। जिस तरह से AES JES पिछले 3 सालों से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो बढ़ने ना पाए उसके ऊपर नियंत्रण रहे,
और उसी के साथ साथ में हमारा टीबी का भी जो हमारा 10-12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें घर घर जाकर हमारी आशा एनएम विजिट करेंगी। वहाँ बच्चों को या बड़े कोई बुखार से पीड़ित हो या कोरोना के कोई लक्षण जैसे महसूस हो या टीबी के कोई मरीज हो उनको भी आइडेंटिफाई करेंगी और अस्पतालों में पहुँचाएंगी। तो इस तरह से ये मीटिंग रही और उसके बाद हमारे कमिश्नर साहब ने मीटिंग बनाई थी कि कल 21 तारीख से हमें वैक्सीनेशन का 20,000 का टारगेट दिया गया है। तो अभी तक हम 11,000 से 12,000 का वैक्सीनेशन कर पाते हैं, तो कैसे हम 20,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन कर लें, उसके ऊपर स्ट्रेटजी तैयार की गई कि सभी वीडियोस को और ग्राम प्रधानों को सबको लगा दिया गया है कि लोग मोबिलाइज़ करेंगे और जब टीमें जाएंगी मोबिलाइज़ करने के लिए उसी समय मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो जैसे कि अगर रजिस्ट्रेशन पहले से हो जाएगा तो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर जैसे लोग आएंगे तो वहाँ कम भीड़ रहेगी और जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन करा पाएंगे। तो इस तरह से हम जो है 20,000 से ज़्यादा का टारगेट मेंटेन कर लेंगे। तो इन सब पे चर्चा हुई, बहुत ही अच्छा रहा और सभी लोगों को के सहयोग से हम वैक्सीनेशन अच्छी तरह से करा लेंगे।